टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी अब जल्द ही बदलने वाली है। सीरियल में 15 साल का लीप आने वाला है, लेकिन उससे पहले कहानी में जोरदार ड्रामा चल रहा है। शो में डिम्पी की मौत हो गई है, यानी लीप के बाद डिम्पी नजर नहीं आएगी, जिस वजह से शाह परिवार एक बार फिर टूट गया है। डॉली ने डिम्पी की मौत का आरोप आद्या पर लगाया है। वह बार बार सबको बोल रही है कि आद्या की वजह से डिम्पी की मौत हुई है, लेकिन अनुपमा अपनी बेटी की ढाल बनकर खड़ी है। अब लेटेस्ट एपिसोड में नया ड्रामा होगा। दूसरी तरफ अनुज की जान भी खतरे में पड़ गई है। टीवी सीरियल अनुपमा में देखने के लिए मिलेगा कि डिम्पी की मौत के बाद आशा भवन में मातम पसरा हुआ है। सभी लोग रो रहे हैं और तभी अंश बार बार अपनी माँ के बारे में पूछता है, तो पाखी चिल्ला पड़ती है और बोलती है कि उसकी माँ गॉड के पास चली गई है। यह सुनकर अंश खूब रोता है और अनुपमा उसे संभालती है। तभी आद्या भी चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है और डिम्पी का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह सबको दूर करती है और अनुपमा को धक्का भी दे देती है, लेकिन डॉली उसे बुरी तरह पकड़ लेती है। वह आद्या को डिम्पी की मौत की वजह बताती है, तो वहीं अनुपमा अपनी बेटी के साथ खड़ी रहती है और पूरे शाह परिवार से लड़ती है। तभी आद्या बेहोश हो जाती है और अनुपमा उसके लिए डॉक्टर बुलवाती है। अनुपमा बार बार अनुज को फोन करती है और आशा भवन के बाहर टीटू अंश का ख्याल रखता है। शो में आगे दिखाई जाएगा कि अनुज अनुपमा को फोन करता है और तब अनुज को पता चलता है कि आशा भवन में कुछ गलत हुआ है। अनुपमा अनुज को तुरंत आने के लिए कहती है, तो अनुज भी अगली फ्लाइट की टिकट बुक करा लेता है। तभी एयरपोर्ट पर उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और एयरपोर्ट के बाहर उसे अंकुश मिलता है। अंकुश दिखावे में आकर अनुज से माफी मांगता है। शो में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अंकुश अनुज को खाई में धक्का दे देता है। तो क्या अब डिम्पी के साथ साथ अनुज की भी मौत हो जाएगी? इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।